हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आया हुआ था वृंदावन और मेरे को यहाँ पर महाराज जी का आश्रम देखने को मिला था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो महाराज जी हैं वो प्रेमानंद जी महाराज जो किस जगह से निकलते हैं और कहाँ पर उनका सत्संग होता है, इसी जगह से निकलते हैं। भाई बहुत बंदर है, ये देखो, यहीं से महाराज जी अंदर जाते हैं और वहाँ सत्संग होता है। झाड़ू लगा रहे हैं और बहुत जोर जोर से राधा बोल रहे हैं, कभी वृंदावन बोल रहे हैं, कभी जो है बांके बिहारी बोल रहे हैं। तो जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं तो उनका जो आश्रम है, जो यहाँ पर वो रहते हैं, तो यहाँ से सुबह जो है अपनी 2 बजे वाली यात्रा जो है रात में प्रारंभ करते हैं। तो इसी जगह से निकलते हैं और फिर वो सीधे स्ट्रेट यहाँ से जाके, और सीधे जाने के बाद में फिर वो पैदल पैदल अपना जहाँ आश्रम है उनका वहाँ जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ किस जगह से वो होते हुए जाते हैं और कहाँ पर उनका सत्संग होता है। तो दोस्तों, महाराज जी पैदल पैदल यहाँ से इसी रास्ते से आगे जाते हैं और भक्तजन दोनों साइड में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और फूलों से रोड को उनके स्वागत के लिए सजा भी देते हैं और आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हो। तो महाराज जी का जो केलीकुंज है जहाँ सत्संग होता है, उसके जाने के 2 रास्ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रेमानंद जी महाराज जी लेफ्ट हैंड साइड में चले जाते हैं और यहाँ 2 रास्ते हैं, एक सीधा जाता है और एक लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। तो महाराज जी को लेफ्ट हैंड साइड में चले जाते हैं, इस रास्ते को आप आगे मैं बताऊँगा, उसको याद रखना। और ये जो मैं जा रहा हूँ वो दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ जो कि प्रेम मंदिर होते हुए जाता है। तो मैं जो है सीधे जाऊँगा और ये इस तरह से फिर लेफ्ट हैंड टर्न ले लूँगा तो वो उसी रूट में मिल जाएगा, वो मैं आगे आपको बता दूँगा। तो ये जो है प्रेम मंदिर की बाउंड्रीज जो है स्टार्ट हो चुकी हैं और आगे जो है प्रेम मंदिर आने वाला है। सुबह सुबह का मौसम है, सनराइज होने लग रहा है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, जो कि आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है क्योंकि सुबह का मौसम है और मंदिर भी बंद है, इसलिए कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर प्रेम मंदिर जो है देखने को मिल रहा है। ये हम लोग पीछे इस वाले रास्ते से आए हैं और इस वाले रास्ते से ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं। यहाँ आपको साइड में कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, आश्रम और खाने पीने की दुकानें बहुत ईजिली मिल जाएंगी और आप यहाँ पर कुछ खा भी सकते हो और रह भी सकते हो। राइट हैंड साइड में जो रास्ता जा रहा है वो मथुरा की ओर जाता है, लेकिन हम लोग स्ट्रेट जाएंगे क्योंकि हमको केलीकुंज के लिए जाना है, जो कि दूसरा रास्ता है। ये जहाँ से महाराज जी जाते हैं वो मैंने आपको पीछे बता दिया और वो रास्ता इसी रास्ते में आगे मिल जाएगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अब हम स्ट्रेट जाएंगे और आगे एक जो है चौराहा आएगा जो कि परिक्रमा मार्ग का एक मेन चौराहा है। एस्कॉन टेम्पल से पहले एक पुलिस चौकी पड़ती है, उसके साइड से लेफ्ट हैंड साइड के लिए महाराज जी के लिए रास्ता जाता है जो राधा केली कुंज पहुँचाता है। तो हम लोग इस गेट को पार करके यहाँ पर हमको देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक पुलिस चौकी देखने को मिलती है और जस्ट अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में टर्न ले लेना है इस बस के साइड से। तो दोस्तों, ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग का एक मुख्य रास्ता है जहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ लोग जो है बिना चप्पलों के परिक्रमा लगा रहे हैं सुबह सुबह। राधे भाई, बंदरों से यहाँ सावधान रहो क्योंकि बंदर ले जाते हैं यहाँ से पर्स, मोबाइल और चश्मे। भाई साहब छोड़ते नहीं है, तो मैं रिस्क पे वीडियो बना रहा हूँ और चश्मा भी मैंने पहना हुआ। मेरा फोन भी ले जा सकते हैं, पर्स भी ले जा सकते हैं और मेरा चश्मा भी ले जा सकते हैं। तो भाई बहुत सुंदर है आप, भाई बहुत बंदर है, ये देखो बहुत बंदर है, चलो दिखाते हैं। ये देखो कितने सारे बंदर हैं,
तो यहाँ लोग केला वगैरह खिलाते हैं, देखते को जरा। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको रास्ता बताया था वो देखो, जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज जी आते हैं वो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अभी रास्ता पड़ेगा, ये वाला जो रास्ता है इधर से प्रेमानंद जी महाराज आते हैं, तो ये वाला जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी वो यहाँ पर आके मिल जाता है रास्ता। और फिर इधर सीधे जिधर मैं जा रहा हूँ इधर साइड में चले जाते हैं, और आगे जस्ट उनका आश्रम है और लोग बाग यहीं खड़े रहते हैं लाइन में लगाकर दोनों साइड में जब महाराज जी आते हैं। और देखो नीचे जो है फूल भी बिखरे हुए हैं, जो सुबह महाराज जी आए होंगे उनके लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ भक्तजन जो है लगा देते हैं। ये लो भाई आ गए। तो भाई ये हम लोग पहुँच चुके हैं महाराज जी, तो ये है भाई देख लो महाराज जी का, यहीं से महाराज जी अंदर जाते हैं और वहाँ सत्संग होता है। अब सत्संग के टोकन से रिलेटेड मेरे को कुछ पूछना भी है तो मैं पूछ लेता हूँ और आप लोगों को भी बता देता हूँ, अंदर दिखा देता हूँ कि कैसा है अंदर, ठीक है। तो गाइस देखिए आपने यहाँ पर भी महाराज जी हैं, और आज जो है सत्संग वगैरह कुछ हुआ नहीं है क्योंकि महाराज जी गए हुए हैं राधा कुंड। तो अभी हम चलते हैं यमुना घाट, ये वाले जो आप देख रहे हैं ये झाड़ू लगाने वाले जो भक्त कहूँ या क्या कहूँ, झाड़ू लगा रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से राधा बोल रहे हैं, कभी वृंदावन बोल रहे हैं, कभी जो है बांके बिहारी बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।